स्वामी जी चेहरे पर ग्लो तो आ गया, और पूछ लीजिए। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोगों के चेहरों पर गर्दन पे मस्से होते हैं, कई लोगों के इल्ले भी होते हैं। अब इल्ला हमारी तरफ इल्ला कहा जाता है, कुछ लोग इल्ला कहते हैं, कुछ लोग और नाम से जानते होंगे, मस्सा भी होता है। तो अगर ये चेहरे पर है या शरीर के दूसरे हिस्सों पर, गर्दन पर, तो ये क्या हटाया जा सकता है? एक ना हमारे पास में अग्निकर्मा करते हैं आयुर्वेद में, एक बार मैंने दिखाया भी था, एक बार फिर दिखाऊंगा जी। तो जिनको भी मस्से होते हैं अग्निकर्मा करते हैं, और एक करीब 5-10 मिनट में 25-50 मस्से भी किसी को चेहरे पर, माथे पर, गर्दन पर, किसी को हाथों में, बहुत बहुत यहाँ पर बहुत होते हैं, वो पूरे निकल जाते हैं अग्निकर्मा से। दूसरा उसमें सज्जी क्षार और ये जो खाने का सोडा होता है, सज्जी क्षार खाने का सोडा और ये चूना, चूना जो कलई होती है उसको लेके पानी में भिगो करके उसका पेस्ट, ये 10-10 ग्राम मिला लेते हैं। उसमें गैरिक भी मिला लेते हैं, गैरोवा पाउडर, ये 10-10 ग्राम मिला करके और जहाँ मस्सा होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, वो जड़ से निकल जाता है। वो जो है करीब 2-4 घंटे का टाइम लगता है, अपने आप ही सूख जाएगा और जड़ से निकल जाएगा, दोबारा मस्सा होगा ही नहीं। किसी को कोरण हो जाता है तो पैर में भी जो गोखरू टाइप कोरण बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा काट करके हल्का सा ब्लेड से किसी नुकीली चीज से और उसमें भी लगा देते हैं, तो वो कोरोन भी बाहर निकल जाता है, ये हमने देखा है। बाकी उसमें भी गोधन अर्क और नीम घनवटी खाली पेट, ये जो नीम, आंवला, एलोवेरा और गिलोय जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको तो सुबह सुबह सभी को सेवन कर लेना चाहिए। 100 साल तक चमड़ी पर कोई उपद्रव नहीं होगा। सबसे ज्यादा लूट जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही करते हैं, ऐसी ऐसी महंगी महंगी क्रीम देते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की, और कुछ लुटे हुए बैठे हुए उन्होंने देखा है तेरे की मुस्कान बता रही है। जी मेरे भाई, सभी कहीं ना कहीं लुटे हैं स्वामी जी, बस कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग खामोश रह के अपनी वो छिपा लेते हैं। लेकिन स्वामी जी बहुत बड़ा बाजार है, चेहरे से जुड़ा हुआ, बालों से जुड़ा हुआ।